नमस्कार, मेरा नाम सुमित सिंह मेहता, हाजिर आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 96 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, हमारा टॉपिक है मैग्नेटाइजेशन और उसी में हम एक सब टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो होगा हमारे पास क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट। और उसके बाद उसके अंदर एक टॉपिक आएगा, उस टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास, कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड करंट। और उसमें दो टाइप की बाउंड करंट हम पढ़ेंगे, एक होगा हमारे पास क्या, सरफेस बाउंड करंट और एक होगा हमारे पास वॉल्यूम बाउंड करंट। अब जब मैंने आपके सामने आज के ये टॉपिक इंट्रोड्यूस किए तो आपके दिमाग में एक घंटी बजी होगी कि इन्हीं से मिलते जुलते टॉपिक हमने पहले भी क्या कर रखे हैं, डिस्कस कर रखे हैं। कर रखे नहीं कर रखे, आंसर है हाँ जी कर रखे हैं। कहां कर रखे हैं, जब हम क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने एक वर्ड यूज किया था, क्या पोलराइजेशन, क्या वर्ड यूज किया था, पोलराइजेशन। उसने कैसे डिफाइन किया था, हमने डिफाइन किया था कि पोलराइजेशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। जहां वहां हमने क्या यूज किया था, पोलराइजेशन यूज किया था, यहां हम क्या यूज करते हैं, मैग्नेटाइजेशन यूज करते हैं। कहां, इन केस ऑफ मैग्नेटोस्टेट, इलेक्ट्रोस्टेट में पोलराइजेशन और मैग्नेटोस्टेट में हमने क्या यूज कर लिया, मैग्नेटाइजेशन। अब पोलराइजेशन करने के बाद हमारे पास क्या है, एक पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट है। फिर वहां पर हमने क्या किया था, पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट की वजह से क्या फाइंड किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। यहां हम क्या करेंगे, मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। जब हम वहां पर किसी एक पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे थे तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आया था, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड चार्ज। और वहां पर हमारे पास क्या थे, दो बाउंड चार्ज थे, एक था हमारे पास सरफेस बाउंड चार्ज और एक था हमारे पास क्या, वॉल्यूम बाउंड चार्ज। सिमिलरली यहां पर क्या होता है हमारे पास, किसका कॉन्सेप्ट आता है, जब हम इस चीज को फाइंड करने को जाते हैं तो किसका कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड करंट आता है। और यहां भी दो टाइप की बाउंड करंट होती है, एक होती है हमारे पास क्या, सरफेस बाउंड करंट और दूसरी होती है हमारे पास क्या, वॉल्यूम बाउंड करंट। ओके, नाउ वहां पर हमने कुछ ऐसा डिस्कस किया था कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी एक पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने को जाते हैं, हम एक्चुअल में क्या करते हैं, उस पोलराइजेशन की वजह से वहां पर क्या आती है, कुछ बाउंड करंट आती है। हम उन बाउंड करंट को फाइंड कर लेते हैं उस ऑब्जेक्ट में वहां क्या करते हैं, हम बाउंड चार्ज को फाइंड कर लेते हैं, फिर हम उस बाउंड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। और बाउंड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक्चुअल में पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट के कारण भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इन दोनों चीज क्या है, सेम है। तो यहां पर हम कुछ ऐसा ही करेंगे, सबसे पहले अगर हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा कि हमारे पास कोई एक मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट होगा और हमसे कहा जाए कि उस मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट को उसे क्या फाइंड करो, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो, एक्चुअल हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाउंड करंट निकाल देंगे, उसमें सरफेस बाउंड करंट, वॉल्यूम बाउंड करंट निकाल देंगे, फिर इन करंट की वजह से क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। और किसी भी करंट की वजह से, किसी भी एक पर्टिकुलर करंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, हमको पता है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेंगे ड्यू टू दीज बाउंड करंट, एक्चुअल में ये जो बाउंड करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा वो उस मैग्नेटाइज ऑब्जेक्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। तो ये क्या होने वाला है, आज के हमारे टॉपिक का लेखा जोखा होने वाला है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से फिर उसका हम डिस्कस कर पढ़ना पड़ेगा, फिर उसका हम डिस्कस करेंगे क्या कि बाउंड करंट का फॉर्मूला क्या होता है, फिर सरफेस बाउंड करंट का फॉर्मूला क्या होता है, फिर वॉल्यूम बाउंड करंट का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे वहां हमने देखा था कि जब हमने किसकी बात करी थी, वहां पर सरफेस बाउंड चार्ज की बात करी थी, तो यहां पर क्या था हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू पी डॉट एन कैप था या नहीं था, आंसर रहा हाँ जी था, एट एनी सरफेस। और फिर जब हमने वहां पर वॉल्यूम बाउंड चार्ज की बात करी थी तो रो बी इक्वल टू कितना था हमारे पास, डाइवर्जेंस ऑफ, शायद माइनस का था ना, इधर माइनस होता है, इधर माइनस होता है, मैं भी कंफ्यूज हूँ, ठीक है, आई थिंक इधर माइनस होता है, तो रो डॉट पी के बराबर था। और यहां क्या था हमारे पास, यहां कुछ नहीं था, ठीक है। तो दिस इज वॉल्यूम बाउंड चार्ज एंड दिस इज सरफेस बाउंड चार्ज। और यहां पर जो एन कैप है, ये क्या है मेरे पास, नॉर्मल यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एनी सरफेस। अगर मेरे पास एक कोई स्फेरिकल बॉल है, तो स्फेरिकल सॉलिड बॉल है, तो उसके सरफेस का मतलब इन आर कैप डायरेक्शन, जो एन कैप होगा वो क्या होगा मेरे पास, आर कैप डायरेक्शन में होगा। ओके, और जो पी है, ये क्या है मेरे पास, पोलराइजेशन है। नाउ अंतर क्या होगा दोनों ओर, अगर मैं एक अंतर बताऊं आपको, दोनों अंतर क्या होगा कि जहां उधर पी था, यहां क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। लेकिन यहां पर कुछ चेंज आएंगे, अगर यहां पर डॉट प्रोडक्ट हो रखा है, हो सकता है यहां कर्ल आ जाए, अगर यहां पर ग्रेडियंट है, हो सकता है यहां पर क्या फाइंड कर रहे हो, कर्ल फाइंड कर रहे हो, ठीक है, या फिर डेल क्रॉस पी, डेल क्रॉस एम, ऐसा आ जाए। लेकिन सिंपल चेंज क्या रहेंगे, जहां यहां वहां क्या था, पी था, पी को कौन रिप्लेस कर देगा, एम, एम फॉर मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। यहां किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये
कैपिटल एम से रिप्लेस हो जाएगा। जहां वहां क्या निकाल रहे थे हम ई निकाल रहे थे, तो यहां क्या निकालेंगे हम बी निकालेंगे, यानी क्या फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक है, एक बहुत अच्छा सा क्या हो गया इंट्रोडक्शन हो गया। अब क्या करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से इसको आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो लिख के चलो सबसे पहले हिंट डालो क्या मैग्नेटाइजेशन, हिंट डालो क्या मैग्नेटाइजेशन, मैग्ने टी आई जेड ए टी आई ओ एन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एम। ठीक है, स्मॉल एम क्या होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है, और कैपिटल एम क्या होता है मैग्नेटाइजेशन होता है। तो यहां लिख के चलो व्हेन वी प्लेस्ड एनी ऑब्जेक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट गेट क्या हो जाता है मैग्नेटिकली पोलराइज्ड। इसी को हम एक वर्ड में क्या बोलते हैं मैग्नेटिकली पोलराइज्ड को मैग्नेटाइज्ड भी बोलते हैं, इट गेट मैग्नेटाइज्ड एंड स्टेट ऑफ यानी अवस्था कि मैग्नेटाइज जो मैग्नेटिकली पोलराइजेशन हो रहा है उसकी अवस्था क्या है एंड स्टेट ऑफ मैग्नेटिक पोलराइजेशन इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। उसी को हम क्या बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन जेड ए टी आई ओ एन मैग्नेटाइजेशन। समझ में आई बात? ओके, तो इसके नीचे लिखो इस तरीके से एंड इट इज डिफाइंड एज मैग्नेटाइजेशन। इसके ऐसे ऐसे यहाँ पर लिखते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे लिखो यहाँ पर इट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड डिफाइन एज फॉलोइंग, इसको हम निम्नवत क्या करते हैं डिफाइन करते हैं। तो मैग्नेटाइजेशन एम इक्वल टू क्या होता है हमारे पास दिस इज इक्वल टू वहां पी इक्वल टू क्या था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम था, तो यहां एम इक्वल टू क्या हो जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहां एम इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एम। ध्यान देना बात को, दोनों चीजों में अंतर है, दिस इज कैपिटल एम दिस इज स्मॉल एम। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन। इसको क्या कर दो इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर दो और ये क्या है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना है कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है पर यूनिट वॉल्यूम या फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो इसके नीचे लिखो कि इसका काम क्या होगा इट प्ले सेम रोल विच पोलराइजेशन प्ले इन इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर बोल सकते हैं इट इज एनालॉगस एम इज एम फॉर मैग्नेटाइजेशन। एम क्या है मेरे पास मैग्नेटाइजेशन है। मैग्नेटाइजेशन इज एनालॉगस टू किसके पोलराइजेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, एंड दिस पोलराइजेशन रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल पी। ओके, समझ में आई बात? तो ये क्या होगा एक इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट हो गया कि मैग्नेटाइजेशन क्या है पोलराइजेशन के क्या होता है एनालॉगस होता है, यानी जो काम वहां पोलराइजेशन करता है वो काम यहां क्या करता है मैग्नेटाइजेशन करता है। ओके, और किसको डिफाइन करता है ये स्टेट ऑफ मैग्नेटिक पोलराइजेशन को, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये इसको याद रखना इस लाइन को, ये क्या है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है। ओके, नाउ अब इसके नीचे एक चीज और लिखो कि फिर हमने वहां क्या किया था पोलराइजेशन फाइंड किया था, या फिर उससे पहले इट इज एनालॉगस टू द पोलराइजेशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। हमें करना क्या है हाँ ओके ना, अब क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि मैग्नेटाइजेशन हम निकालेंगे कैसे, कि हमको एम की वैल्यू पता चलनी चाहिए ना, वैसे एम के लिए फॉर्मूला ये है लेकिन इसको हम निकालेंगे कैसे कि पर यूनिट वॉल्यूम एम कैसे निकालेंगे, तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हमें जब भी इस टाइप की सिचुएशन मिलेगी कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है
उसका मैग्नेटाइजेशन हमें हाँ पहले से दिया होगा। ठीक है, तो यहां पर ऐसे लिखो, इन प्रॉब्लम्स जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आएगी या फिर कोई क्वेश्चन आएगा, वहां पर आपको मैग्नेटाइजेशन के बारे में कोई चिंता नहीं करनी है। आपको किसके बारे में चिंता करनी है? उस मैग्नेटाइज ऑब्जेक्ट के बारे में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा उसके बारे में चिंता करनी, वो हमें निकालना होगा। मैग्नेटाइजेशन हमें हमेशा गिवन होगा। तो यहां पर लिख के चलेंगे हम, इन प्रॉब्लम्स मैग्नेटाइजेशन इज ऑलवेज गिवन, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, यहां पर लिख दो, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक, कभी कभी हम प्रेशर में आ जाते हैं कि एम कैसे फाइंड करेंगे, तो एम फाइंड करने की तो बात ही नहीं होगी, बात क्या होगी? अब देखो, सो वी आर इंटरेस्टेड इन टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट। हमें किस बात पर इंटरेस्ट रखना है कि उस मैग्नेटाइज ऑब्जेक्ट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा। ओके, अगर यहां पर लिख दिया है, अब हिंट डालो क्या, जो नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट। डाली हेडिंग, तो हिंट डालो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइज ऑब्जेक्ट, और उसी के नीचे क्या आ जाएगा, ये दो कॉन्सेप्ट हैं, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड चार्ज है अपने आप क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक, तो लिख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे मिटाता हूं, ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि अभी काम आएगा, इसे मिटा दूं, उधर लिखो, चलो इसे मिटाना पड़ेगा। अब यहां पर जब हम कर रहे होंगे ना डेरिवेशन कि बी क्या होगा किसी एक मैग्नेटाइज ऑब्जेक्ट के कारण, तो जो प्रीवियस नॉलेज है हमारी वो क्या आएगी, हम काम आएगी। यहां पर वहां पर हमने कुछ डेटा के लिए क्या किया था, डेरिवेशन किया था, हम वहां से उस डेटा को एज इट इज उठाएंगे और यहां पर रख देंगे। आई थिंक वो लेक्चर नंबर 57 है, 58 है, ठीक है, पीछे जाके देखना, ये लेक्चर नंबर कौन सा है, 96 है, वहां लेक्चर नंबर 57, 58 यानी 50 के आसपास का एक लेक्चर है कि बाउंड चार्ज एंड सरफेस बाउंड चार्ज एंड वॉल्यूम बाउंड चार्ज करके वो टॉपिक का नाम है, तो वहां पर जाना और देखना, क्योंकि हम वहां से कुछ चीजें जो वहां पर हमने क्या कर रखी है, सॉल्व कर रखी है, तो उसको यहां पर दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे, हम वहां से उनको एज इट इज उठाएंगे और यहां रख देंगे। ठीक है, क्लियर है बात? ओके, तो अब आओ, नाउ हेडिंग है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब यहां पर कुछ भाषा लिखनी पड़ेगी हमको, तो लेट अस कंसीडर वी हैव ए मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट हैविंग मैग्नेटाइजेशन एम, जिसका मैग्नेटाइजेशन कितना है, एम है। ठीक है, एंड वी वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट एट ए पॉइंट पी एज सोन इन फॉलोइंग फिगर, जैसा कि निम्न चित्र पर दिखाया गया है। तो अज्यूम करो कि मेरे पास क्या है, थोड़ा सा यहां पर अज्यूम कर लें, तो ये मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी रैंडम शेप का कोई क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और थ्री डायमेंशनल शेप है। ठीक है, एक थ्री डायमेंशनल शेप का क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट है।
तो इसका क्या है, मैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन जो है वो कितना है, एम है। एक मैग्नेटाइज ऑब्जेक्ट है तो इसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो कितना है मेरे पास, एम है, ऐसा हमें गिवन है। अब इसके कारण कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा और हमें क्या करना है, इस पॉइंट पर, माना यहां पर कोई एक पॉइंट पी है, दिस इज पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। नाउ कैसे फाइंड करेंगे, देखो अब मैग्नेटाइजेशन के कॉन्सेप्ट को आपने समझा है ना, इससे पहले क्या होता है मैग्नेटाइजेशन, जब किसी ऑब्जेक्ट का मैग्नेटाइजेशन होता है क्या होता है, उससे पहले ये समझो कि कोई भी ऑब्जेक्ट, माना ये ऑब्जेक्ट जब इसका मैग्नेटाइजेशन नहीं हुआ था तो क्या था, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना था, जीरो था। अब जैसे ही इसका मैग्नेटाइजेशन हुआ, इसका कुछ नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, अगर इसका कुछ नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है तो उसके कारण, उस मैग्नेटिक डायपोल के कारण यहां पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वही हमें क्या करना है, यहां पर फाइंड करना है। इसको थोड़ा सा और इस तरह समझोगे, देखो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसको मैं बनाऊं यूं करके, देखो ये मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, देखो इनिशियली इसका मैग्नेटाइजेशन नहीं हुआ था, तो जो सारे इसके जो टाइनी डायपोल डायपोल थे वो क्या थे, रैंडमली ओरिएंटेड थे। पता है ना आपको ये एटम किससे मिला था, सॉरी ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है किससे मिलकर बना था, छोटे छोटे एटम से मिलकर बना था, और जो हर एटम होता है किस तरह बिहेव कर रहा था, एक टाइनी मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा था, और हर मैग्नेटिक डायपोल का जो डायपोल मोमेंट था वो रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड था, इसलिए इसका जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया था वो कितना हो गया था, जीरो हो गया था। अब जैसे ही हमने क्या किया, इसका मैग्नेटाइजेशन किया, यानी इसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा, तो जो सारे के सारे जो मेरे पास क्या थे, मैं एक पर्टिकुलर केस ले रहा हूं, वहां पर उसके अपोल डायरेक्शन में भी अलाइन हो सकते हैं और उसके डायरेक्शन में अलाइन हो सकते हैं, मैं ये बोल रहा हूं कि उसके डायरेक्शन में क्या हो गया, अलाइन हो गए। माना यहां पर मैंने क्या लगाया, इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड बी लगाया, तो जो सारे के सारे मैग्नेटिक डायपोल हैं वो इस तरीके से क्या हो गए, अलाइन हो गए, यानी ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हमारा मैग्नेटाइज हो गया। अब तो जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है वो कितना हो गया, नॉन जीरो हो गया। अब इसका अगर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट नॉन जीरो है तो इसके कारण मुझे कहीं पर इस पॉइंट पी पर मुझे क्या करना है, कोई एक सॉरी इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, किसके कारण, इसके कारण, ये मैग्नेटिक फील्ड अलग है, ये तो हमने बाहर से लगा रखा है, अब इसके कारण भी तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड मुझे क्या करना है, अब फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, देखो अब ध्यान सुनना बात को, इस चित्र को मैं रहने दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ओके आप मत बनाना, आप दिमाग में लेकर चलना कि ऐसा कुछ हो रहा है, बनाना चाहते हो रफ बनाना, ओके। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट में डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है, ऐसा हमने बहुत बार किया है कि अगर मुझे कहीं पर कुछ चीज निकालनी है, माना किसी ऑब्जेक्ट का मुझे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देता हूं, फिर उसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूं। ऐसा हमने किया है, नहीं किया है, आंसर है ऐसा हमने किया हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट में डिवाइड कर रहा हूं, मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूं कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये किससे मिलकर बना हुआ है, ये छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, ओके okay? ये क्या है, एक यहां पर वॉल्यूम एलिमेंट है, ओके okay? ना अब इस वॉल्यूम एलिमेंट और इस पॉइंट पी की कुछ ना कुछ पोजीशन होगी, और पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मुझे यहां पर क्या लेना पड़ेगा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना पड़ेगा। तो यहां पर मैं एक सिंपलेस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लूं, कोई दिक्कत है आपको, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इस तरीके से ले सकते हैं। तो दिस इज माई वाई एक्सेस, दिस इज माई जेड एक्सेस एंड दिस इज अवर एक्स एक्सेस, तो ये क्या है मेरी एक्स एक्सेस है, और ये क्या है मेरी वाई एक्सेस है, और ये क्या है मेरी जेड एक्सेस है, और ये क्या है इसका ओरिजिन है, और ओरिजिन से जो वेक्टर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो अज्यूम कर लो इस पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है मेरे पास, आर वेक्टर है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इज आर वेक्टर, ओके। अब अज्यूम करो कि जो मेरे पास क्या है, जो यहां पर मैंने वॉल्यूम एलिमेंट अज्यूम कर रखा है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है मेरे पास, यहां पर पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस वॉल्यूम एलिमेंट इज आर प्राइम, ध्यान सुनना बात को, ये जो वॉल्यूम एलिमेंट है यहां पर इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, आर प्राइम है, और जो मेरे पास पॉइंट पी है और जो मेरे पास वॉल्यूम एलिमेंट है, इन दोनों के बीच जो सेपरेशन वेक्टर है, अज्यूम कर लो कितना है मेरे पास, कर्ली आर है, जो सेपरेशन वेक्टर मैंने यहां बनाया, दिस सेपरेशन वेक्टर इज कर्ली आर, ये सेपरेशन वेक्टर कितना है मेरे पास, कर्ली आर है, ये बात समझ में आई आपको, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी या फिर फील्ड पॉइंट जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, आर प्राइम इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ वॉल्यूम एलिमेंट एंड लेट अस से दिस वॉल्यूम एलिमेंट इज डी टाउ। अब देखो ये वॉल्यूम एलिमेंट किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, डी टाउ प्राइम लिखूंगा। अब यहां पर ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि डी टाउ प्राइम कैसे लिख दिया, क्योंकि हमने इस टाइप की सिचुएशन इससे पहले कम से कम 5-6 बार क्या कर ली है, फेस कर ली है, तो अब हमारे पास ये प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए कि अगर मैं इसको प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे बोल रहा हूं और यहां पर मैं प्राइम कैसे लगा रहा हूं। अगर इसका पोजिशन बेटर क्या प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो इससे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें निकलेंगी, चाहे मैं उसका एरिया एलिमेंट ले लूं, चाहे मैं उसका वॉल्यूम एलिमेंट ले लूं, चाहे मैं उसका लाइन एलिमेंट ले लूं, उन सब मुझे क्या लगाना पड़ेगा, प्राइम लगाना पड़ेगा। अगर आप प्राइम से बचना चाहते हो तो इसको प्राइम कर दो, इसको अनप्राइम कर दो, ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा, प्राइम नहीं आएगा,
लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपकी कैलकुलेशन में, ठीक है। तो मैं इसे प्राइम ले रहा हूं और ये क्या है मेरा एन प्राइम है। तो डी टाउ प्राइम क्या है मेरे पास, एक वॉल्यूम एलिमेंट है जिसका पोजिशन वेक्टर कितना है आर प्राइम है, और जो कर्ली आर है वो क्या है, इस डी टाउ वॉल्यूम एलिमेंट से इस पॉइंट पी के बीच का सेपरेशन वेक्टर है। इतनी बात समझ में आई? नाउ अब देखो, अब ध्यान सुनना बात को, एक गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर जो वॉल्यूम एलिमेंट है, मैं ये ऐसा अज्यूम कर सकता हूं, मैं एक बात तो क्या बोल रहा हूं मैं कि ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। नाउ इसी चीज को, ध्यान सुनना बात को, इसी चीज को मैं कैसे बोल सकता हूं, ऐसे बोल सकता हूं कि ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है ये किससे मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे टाइनी डायपोल से मिलकर बना हुआ है, दोनों में कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है। ये क्या है, एक फिजिकल केस है, और ये क्या है, एक मैथमेटिकल केस है या नहीं है, ठीक है। मैं छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट मैथमेटिकली यहां पर अज्यूम किया, और एक्चुअल में ये किससे मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे डायपोल से मिलकर बना हुआ है, बना एटम से मिलकर बना, और एंड ईच एटम एक्स लाइक ए डायपोल, ओके, समझ में आई बात। नाउ अब इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि ये जो छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट है ना, एक वॉल्यूम एलिमेंट किसके बराबर है, एक एटॉमिक डायपोल के बराबर है, या बोल सकते हैं एक टाइनी डायपोल के बराबर है। यहां से मैंने एक डायपोल लिया और मैथमेटिकल जो ये था इसमें क्या था, एक वॉल्यूम एलिमेंट, एक वॉल्यूम एलिमेंट इज इक्वल टू एक डायपोल। समझ मारी बात, कि जो काम ये वॉल्यूम एलिमेंट कर रहा है वही काम कौन कर रहा है, एक डायपोल कर रहा है, एक डायपोल कर रहा है। मैं चाहे ये बोलूं कि ये ऑब्जेक्ट एक छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक वॉल्यूम एलिमेंट किसके बराबर है, डी टाउ प्राइम के बराबर है, या तो मैं ये बोलूं या फिर मैं ये बोलूं कि ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है ये छोटे छोटे हैं, फिर टाइनी डायपोल से मिलकर बना हुआ है, फिर एटॉमिक डायपोल से मिलकर बना हुआ है, दोनों बात क्या हुई, सेम हुई, दोनों में कोई भी मतलब अंतर नहीं हुआ। यहां बना दो, चित्र से बनाता हूं कि ये जो मेरे पास वॉल्यूम एलिमेंट मैंने यहां पर इस तरीके से अज्यूम कर रखा है, ये वॉल्यूम एलिमेंट किसके बराबर है, इस डायपोल के बराबर है, एक जो डायपोल है ना इसके बराबर है, ठीक है। मैं इस वॉल्यूम एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूं या फिर इस डायपोल के कारण इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, दोनों में बात क्या है, सेम है। या फिर मैं ऐसा ही बोल सकता हूं कि इस वॉल्यूम एलिमेंट का डायपोल मोमेंट कितना है, एक डायपोल के डायपोल मोमेंट के बराबर है, ऐसा हमारा क्या है, अजम्पशन है। तो यहां पर क्या लिख के चलेंगे हम, डी टाउ हैज डायपोल मोमेंट, हैज डायपोल अपना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिखा, डायपोल मोमेंट इक्वल टू डायपोल मोमेंट ऑफ वन डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इक्वल टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ वन डायपोल, ओके। तो डी टाउ वॉल्यूम का जो डायपोल मोमेंट हुआ वो कितना हुआ, एम हुआ, हमने अज्यूम कर रखा है जो एक डायपोल का डायपोल मोमेंट है वो कितना है मेरे पास, एम है, ठीक है। जो एक डायपोल यहां पर है उसका डायपोल मोमेंट कितना है, एम है। तो इसका मतलब डी टाउ प्राइम जो वॉल्यूम एलिमेंट है उसका डायपोल मोमेंट कितना हुआ, एम हुआ। अगर यहां से मैं क्या निकालूं कि यूनिट वॉल्यूम का जो डायपोल मोमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर मैं ये निकालूं कि डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, दिस विल बी इक्वल टू डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, एक मिनट यार, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो हुआ ना, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये हुआ।
डायपोल मोमेंट पर वॉल्यूम एम वेक्टर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ठीक है। एंड फ्रॉम हियर मिटाना पड़ेगा यार, इसमें मिटा दूँ, ये हो गया ना। देखो तो डायपोल मोमेंट पर वॉल्यूम क्या होता है, एम होता है, तो एम इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से मेरे पास, जो एम इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल एम डिवाइड में कितना आ गया डी टाउ प्राइम आ गया, तो यहाँ से मेरे पास स्मॉल एम इज इक्वल टू कितना आ गया मैग्नेटाइजेशन एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया डी टाउ प्राइम आ गया। सही इट इज सम इक्वेशन नंबर वन, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर वन बोल दो। ओके ना, अब हमें पता है कि ये जो मेरे पास क्या है डी टाउ प्राइम जो वॉल्यूम एलिमेंट है किसके बराबर है, एक डायपोल के बराबर है। तो इस डायपोल के कारण इस पॉइंट पी पर अगर मैं क्या फाइंड कर लूँ, वेक्टर पोटेंशियल फाइंड कर लूँ, क्या करना चाह रहा हूँ मैं, नाउ फाइंड वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू वन डायपोल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m, वन डायपोल कहो या फिर वॉल्यूम एलिमेंट कहो सेम बात है, ठीक है, समझ में आ रही बात। नाउ फाइंड वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू वन डायपोल एट पॉइंट पी। अब आपको पता होना चाहिए किसी एक डायपोल के कारण, मैग्नेटिक डायपोल के कारण, वन मैग्नेटिक डायपोल लिखो, वन मैग्नेटिक डायपोल m के कारण किसी पॉइंट p पर जो वेक्टर पोटेंशियल होता है कितना होता है, तो दिस विल बी इक्वल टू a इक्वल टू होता है मेरे पास कितना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ कितना आता है m क्रॉस r कैप डिवाइड में कितना आता है r स्क्वायर आता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा हुआ है फ्रॉम मल्टीपल एक्सपेंशन से, ये फॉर्मूला आया हमारे पास। सेट इज सम इक्वेशन नंबर वन, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर टू बोल दो, वन हो गई है, अब से क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर टू बोल दो। ओके नाउ m की जगह पुट कर सकता हूँ मैं कैपिटल m इंटू डी टाउ प्राइम को पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास a इक्वल टू कितना आ गया म्यू नॉट और अपॉन कितना आ जाएगा ये 4 पाई, और इसकी जो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास m एंड दिस इज डी टाउ प्राइम, और क्रॉस कितना आ गया ये r वेक्टर आ गया, और डिवाइड में कितना आ गया ये r स्क्वायर आ गया, ठीक है। एंड अब डी टाउ को मैं बाहर ले सकता हूँ इस क्रॉस प्रोडक्ट से, तो यहाँ से मेरे पास a वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड इंटू में आ गया क्या मेरे पास कैपिटल m क्रॉस कैपिटल एम क्रॉस आर कैप डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इसको मैंने एक साथ लिख दिया, आर कैप डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, एक साथ लिख दिया, और बाहर कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर डी टाउ प्राइम आ गया, बाहर कितना आ गया डी टाउ प्राइम आ गया। ओके ना, अब हमें क्या करना है इस पूरे ऑब्जेक्ट के कारण यहाँ पर इस पॉइंट पी पर वेक्टर पोटेंशियल फाइंड करना है। नाउ वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू होल ऑब्जेक्ट, नाउ वेक्टर पोटेंशियल, अब किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि हम तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने को जा रहे थे, तो वेक्टर पोटेंशियल कहां से आ गया, आएगा देखो लास्ट में हमें क्या करना है, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड करंट और हाँ बाउंड करंट को लाना है। अगर आपको पिछला वाला याद है तो वहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने को नहीं गए थे, हम क्या फाइंड करने को गए थे, पोटेंशियल फाइंड करने को गए थे, और वहां से क्या आया था कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड चार्ज आया था। सेम चीज हम यहां पर क्या कर रहे हैं, वेक्टर पोटेंशियल फाइंड करने को जा रहे हैं, और यहां से क्या आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड करंट आएगा, और फिर हम बाउंड करंट के कारण क्या निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, ठीक है, ये यहां पर क्या है कॉन्सेप्ट है, या भी बोलते हैं खूबसूरती है इस कॉन्सेप्ट की। ओके नाउ वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू होल ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्या कर दोगे, सिंपल इंटीग्रेट कर दोगे, तो यहां मैंने डी ए नहीं लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो यहां खाली ए लिख दो, ठीक है, माना दिस इज ए द वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू होल ऑब्जेक्ट। ओके आप डी ए लिख भी सकते हो अगर आपकी मर्जी है तो, ओके रहने दो, ठीक है, ऐसे रहने दो, तो कितना आ जाएगा ये म्यू नॉट अपॉन कितना आ जाएगा 4 पाई, और इंटीग्रेट आ जाएगा, ठीक है, एंड इंटीग्रेशन ओवर ए वॉल्यूम, क्योंकि ये पूरा क्या है वॉल्यूम है, तो इसमें पूरे वॉल्यूम में इंटीग्रेट कर दो, तो अंदर कितना बच जाएगा ये, तो दिस इज एम वेक्टर क्रॉस आर कैप डिवाइड में कितना आ गया आर स्क्वायर, और इंटू कितना हो जाएगा ये डी टाउ प्राइम हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास ए वेक्टर इज इक्वल टू, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ गया, अंदर कितना बचा वॉल्यूम ओवर ए वॉल्यूम वी, माना इसका वॉल्यूम कितना है वी है, ठीक है, उसके ऊपर क्या कर दिया हमने यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया, एंड अंदर कितना बच गया है, ये बच गया मेरे पास कितना एम क्रॉस आर कैप
डिवाइड में कितना आया आर स्क्वायर और इंटू कितना आ गया ये डी टाउ प्राइम आ गया। ठीक है, नाउ स्टेट क्वेश्चन नंबर थ्री, इसे क्या बोल दो समीकरण नंबर तीन बोल दो। नाउ अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो आर कैप अपॉन आर स्क्वायर होता ना वो ग्रेडियंट ऑफ वन बाई कर्ली आर के बराबर होता है। अगर ये चीजें हो कि ये मेरे पास क्या हो पोजिशन वेक्टर ऑफ पी हो और ये क्या हो इन दोनों का सेपरेशन कितना हो कर्ली आर हो और जो आर प्राइम हो ये क्या हो मेरे पास इसका पोजिशन वेक्टर हो वॉल्यूम एलिमेंट का पोजिशन वेक्टर हो तब तब जो मेरे पास क्या होता है आर कैप डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है ग्रेडियंट ऑफ वन बाई कर्ली आर के बराबर होता है। अब ये कहां से आया हमने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, वहां पर भी हमने सेम यही हमने क्या लिए थे पैरामीटर लिए थे और वहां हमने डिफाइन किया था कि सिंस वी नो कि ग्रेडियंट ऑफ वन बाई कर्ली आर इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास आर कैप डिवाइड में कितना आता है आर स्क्वायर होता है दिस इज इक्वल टू दिस थिंग। ये कहां से आया वहां देखो वहां ने करा रखा है इसको कि मतलब ये कैसे आया करके कि वन बाई आर वन बाई कर ग्रेडियंट ऑफ वन बाई कर्ली आर इज इक्वल टू आर कैप डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ऐसा होता है। ठीक है, अगर ये या तो याद कर लो इसको या फिर वहां जाकर देख लो अगर आपको सीखना है कैसे आया क्योंकि उसमें टाइम जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं। तो एक काम करो ये वैल्यू उठा कहां पुट कर दो इधर पुट कर दो तो यहां से मेरे पास वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू होल ऑब्जेक्ट कितना आ गया ए वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटीग्रेशन ओवर ए वॉल्यूम वी और ये मेरे पास कितना आ जाएगा ये एम वेक्टर तो क्रॉस कितना आ गया ये ग्रेडियंट ऑफ यह है मेरे पास कितना वन बाई कर्ली आर एंड फिर कितना आ जाएगा ग्रेडियंट ऑफ कर्ली आर फिर यहाँ आ गया मेरे पास कितना डी टाउ प्राइम ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा डी टाउ प्राइम आ जाएगा एंड सेल्ड समी क्वेश्चन नंबर कितना बोलते हैं इसको फोर बोलते हैं। ओके ना अगर ये हो गया है क्वेश्चन नंबर फोर तक हो गया है अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा एक प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा इसे मिटा दूं मैं। ठीक है क्योंकि इसका काम हो चुका है नोट हो गया होगा ना। ठीक है नोट कर लो स्क्रीनशॉट ले लिया ले लो देखो एक प्रोडक्ट रूल होता है प्रोडक्ट रूल कि अगर मेरे पास क्या निकालना हो सिंस वी नो कर्ल ऑफ ए एफ ए एफ ए का मतलब एफ क्या है यहां मेरे पास स्केलर फंक्शन है ए क्या है मेरे पास ये वाला ए नहीं है। ठीक है तो इसको क्या बोल दो चलो ए बोल दो। ठीक है ये ए और ये अलग है। ठीक है ये ए क्या था ये फॉर्मूले वाला ए है कि कर्ल ऑफ एफ ए इज इक्वल टू हमारे पास कुछ ऐसा होता है कि ए क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ एफ और फिर यहां क्या आता है माइनस आता है। ठीक है कैसे याद करते हैं मैंने बता रखा वहां पर ए क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ एफ वेक्टर आना चाहिए यहां वेक्टर आएगा तो यहां भी आना चाहिए वेक्टर आना चाहिए फिर जब कर्ल होता है तो माइनस आता है और फिर आ जाएगा मेरे पास क्या ए वेक्टर नहीं फिर आता है और क्या कंडीशन हो सकती है यहां पर एफ इंटू कर्ल ऑफ ए आएगा फिर और क्या आएगा एफ इंटू कर्ल ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है ये होता है। अब मेरे को यहां पर दिक्कत है मतलब थोड़ा शंका है कि माइनस साइन इसमें आएगा या फिर इसमें आएगा एक बार चेक कर लूँ मैं चेक करने में होशियारी है ना। ठीक है ताकि गलत ना हो जाए क्योंकि मैंने देखा नहीं यार यहाँ पर था ये वेक्टर एनालिसिस में डिराक डेल्टा फंक्शन से ठीक पहले अरे कहाँ गया भाई हाँ देखो अभी गलती हो गया था कलर लिख दिया मैंने ये माइनस ये प्लस होता है और ये क्या होता है माइनस होता है। ठीक है ये प्लस और ये वाला क्या होता है माइनस होता है। ठीक है समझ में आई बात ओके अगर ये बात समझ में आई अब देखो अब यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन नंबर चार है वहाँ पर जो एफ है एक्चुअल में किसके बराबर है एफ क्या है स्केलर फंक्शन तो एफ किसके बराबर है वन बाई कर्ली आर के बराबर है या नहीं है एफ इक्वल टू क्या है वन बाई कर्ली आर है और यहाँ पर जो ए वेक्टर है इस फॉर्मूले में जो ए वेक्टर है उसके जो यहाँ कितना है एम है उसके जो कितना है मेरे पास एम वेक्टर है। देखो अगर मैं इसको यहाँ रखूँ तो यहाँ से मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा देखो दिस इज डेल क्रॉस एफ के जो कितना है मेरे पास दिस इज एम वेक्टर डिवाइड में कितना आ गया ये कर्ली आर आया एंड दिस इज इक्वल टू याद आएगा मेरे पास कितना माइनस का एम क्रॉस कर्ल ऑफ कितना आ गया ये सॉरी ग्रेडियंट ऑफ कितना आ गया वन बाई आर आ गया एंड दिस वन इज प्लस ये कितना बचा मेरे पास वन बाई आर बचेगा और अंदर कितना बचेगा यहाँ पर कर्ल ऑफ एम बच जाएगा कितना बच जाएगा कर्ल ऑफ एम बच गया। ओके अब इस टर्म को देखो
ये जो टर्म मैंने यहाँ पर आ रखा है एक्चुअल में यही तो है ये, अगर माइनस साइन का हटा तो हटा दूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं क्या निकालूँ, माइनस का एम क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ वन बाई कर्ली आर निकालूँ, देन दिस विल बी इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो इधर आएगा तो माइनस साइन हटाऊंगा तो ये इधर आगे माइनस होगा, फिर माइनस साइन हटाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास कितना बचेगा ये वन बाई कर्ली आर, दिस इज डेल क्रॉस एम, फिर ये क्या है मेरे पास माइनस का, ये माइनस का कितना आ गया यहाँ पर डेल क्रॉस दिस इज एम वेक्टर डिवाइड में कितना आया कर्ली आर आ गया, ठीक है। तो इस चीज को उठाकर कहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन नंबर फोर में पुट कर दो, तुम्हारा इक्वेशन फोर क्या हो जाएगा मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर बंद कर सकते हो, ठीक। तो नाउ इक्वेशन फोर बिकम, नाउ इक्वेशन फोर बिकम कि ए वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, दिस इज इंटीग्रेशन ओवर ए वॉल्यूम वी, ये पूरी चीज ये वाला, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, तो दिस इज वन बाई कर्ली आर और इंटू कितना आ गया डेल क्रॉस एम, और फिर माइनस कितना आ गया ये डेल क्रॉस एम डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा कर्ली आर, और ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया यहाँ पर, सॉरी बाहर कितना आ गया डी टाउ प्राइम आ गया, ठीक है, प्राइम कोऑर्डिनेट है याद रखना। तो यहाँ से मेरे पास ए वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन कितना आ गया ये फोर पाई आ गया, पहले इसका इंटीग्रेशन फिर इसका इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन ओवर ए वॉल्यूम वी, ये मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर डेल क्रॉस एम वेक्टर और डिवाइड में कितना आ गया ये कर्ली आर, और यहाँ कितना आ जाएगा डी टाउ प्राइम, और फिर आ गया माइनस का म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया, ओके म्यू नॉट अपॉन फोर पाई और इंटीग्रेशन ओवर ए वॉल्यूम वी, एंड हियर वी हैव दिस इज डेल क्रॉस एम वेक्टर और डिवाइड में कितना आ गया यहाँ पर मेरे पास कर्ली आर, और इनटू कितना आ गया ये डी टाउ प्राइम आ गया, ठीक है, इनटू कितना आ गया डी टाउ प्राइम आ गया। नाउ अब यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, तो शेड इज सम इक्वेशन नंबर फाइव, इसे क्या बोल दो इक्वेशन नंबर फाइव बोल दो। एक डेटा होता है हमारे पास एक्चुअल में एज ए क्वेश्चन भी उसको हम ले सकते थे, और ग्रिफिथ उसको एज ए क्वेश्चन दे रखा है, अगर आप ग्रिफिथ की वेक्टर एनालिसिस पढ़ोगे तो उसमें एक क्वेश्चन है कि प्रूफ, ऐसा क्वेश्चन है ग्रिफिथ का, आई थिंक 1.61 क्वेश्चन है कि प्रूफ बोल रखा है उसने कि इंटीग्रेशन ओवर ए वॉल्यूम वी डेल क्रॉस वी वेक्टर इंटू डी टाउ इज इक्वल टू होता है मेरे पास कितना, क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस, सरफेस दिस सरफेस इज इंक्लोज बाई सॉरी दिस वॉल्यूम इज इंक्लोज बाई दिस सरफेस, फिर यहाँ पर आता है मेरे पास कितना वेक्टर वी डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है, दिस फॉर्मूला, ये क्या है एक क्वेश्चन है ग्रिफिथ में, क्या होता है क्वेश्चन है ये, सिंस वी नो, यहाँ पर क्या होता है सिंस वी नो लिख दो कि क्या है एक डेटा है, ठीक है, जो हर जगह क्या होता है यूज होता है, आपको क्या होना चाहिए इसे याद करना चाहिए, ओके, इसको आप एज ए थ्योरम भी ले सकते हो कभी कभी, ठीक है, हर बार नहीं कभी कभी ले सकते, मतलब ऐसे थ्योरम लिखना बस, पर दिमाग में बैठाओ कि हमारे पास क्या होती है एक इस टाइप की एक थ्योरम होती है कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्रॉस वी, वी क्या है यहाँ पर कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फिर वेक्टर फंक्शन है, एंड डी टाउ इज इक्वल टू क्या होता है क्लोज इंटीग्रेशन एंड माइनस साइन, एक्चुअल में ये क्या है ना जो मेरी डाइवर्जेंस थ्योरम है उसी का एक मॉडिफाइड रूप है, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, जो मेरी डाइवर्जेंस थ्योरम होती ना उसी को मॉडिफाई करके कुछ कंडीशन लगा के ये लाया गया है, ओके, और यहाँ पर इस कंडीशन का यूज होने वाला है तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, अब इसको पूरा तो प्रूव करा नहीं सकता यहाँ पर मैं, और आपको प्रूव भी करना है तो बता रहा हूँ कि ग्रिफिथ की प्रॉब्लम नंबर 1.61 है, और ग्रिफिथ के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं, ग्रिफिथ की बहुत सारी मैनुअल है तो किसी मैनुअल में इसका आंसर क्या हो जाएगा मिल जाएगा, ओके, लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं उसको देखने की, आप क्या कर लो उसको याद कर लो कि दिस थिंग विल बी इक्वल टू दिस थिंग ना। अब यहां पर देखो ये चीज में कोई दिक्कत नहीं, यहां पर दिक्कत है, तो डेल क्रॉस दिस होल थिंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो यहां पर वी की जगह कितना है वेक्टर एम डिवाइडेड बाई कर्ली आर, तो वी की जगह पूरा ये जो चीज है वो किसके अंदर आ जाएगी मेरे पास वी के अंदर आ जाएगी, ये ब्रैकेट लगाना भूल गया पर मैं लगे नहीं लगाया, लेकिन आप समझो कि ये क्या है एक चीज है वेक्टर एम डिवाइडेड बाई कर्ली आर, वो क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, जो यहां वी है वो यहां पर क्या है ये है, तो क्या करो सिंपल सा रिप्लेस कर दो, तो आपका जो इक्वेशन नंबर फाइव है वो क्या हो जाएगा मॉडिफाई हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास जो ए निकल के आया वो कितना निकल के आ गया म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, पहला टर्म तो ऐसे रहा, कितना है मेरे पास इंटीग्रेशन ओवर ए वॉल्यूम वी, ये क्या है मेरे पास डेल क्रॉस एम
और डिवाइड में कितना आ गया कर्ली आर और इंटू कितना आ गया डी टाउ प्राइम। अब इधर देखो ये क्या है मेरे पास माइनस है और एक माइनस यहाँ से आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा एंड दिस इज म्यू नॉट अपॉन कितना आ गया ये फोर पाई इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस। अब देखो जहाँ यहाँ वी है यहाँ कितना है मेरे पास दिस इज एम अपॉन कर्ली आर और नीचे कितना आ गया एक मिनट डॉट नहीं होता यार ये क्रॉस होता है यहाँ पर क्या होता है कर्ल होता है तो कितना आ जाएगा ये एम क्रॉस डी ए प्राइम वेक्टर क्या आ जाएगा डी ए प्राइम। अब प्राइम क्यों लगाया क्योंकि हम किस में चल रहे हैं प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में चल रहे हैं तो ये चीज आई ओके। तो यहाँ से मेरे पास तो कितना आ गया मेरे पास ए इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन कितना आ जाएगा ये फोर पाई आ जाएगा एंड दिस इज इंटीग्रेशन ओवर ए वॉल्यूम वी एंड दिस वन इज डेल क्रॉस एम वेक्टर और डिवाइड में कितना आ गया कर्ली आर और इंटू कितना आ गया डी टाउ प्राइम एंड प्लस म्यू नॉट अपॉन कितना आ गया ये फोर पाई एंड दिस इज ओवर ए सरफेस एस। अब देखो ये क्या मेरे पास डी ए वेक्टर है यानी एरिया एलिमेंट वेक्टर है तो एरिया एलिमेंट वेक्टर क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इस डी ए प्राइम वेक्टर को मैं ये लिख सकता हूँ कि एन कैप इंटू डी ए प्राइम जहां एन कैप क्या है एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा नहीं होगा आंसर हाँ जी होगा तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ देखो इस तो मैं एन एम वेक्टर क्रॉस एन कैप डिवाइड में कितना आ गया ये कर्ली आर और यहां कितना आ जाएगा डी ए प्राइम आ जाएगा जो एन कैप है एन कैप क्या है मेरे पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस जो सरफेस एस है उसके परपेंडिकुलर जो यूनिट नॉर्मल है वो क्या है मेरे पास यहां पर एन कैप है समझ में आई बात ओके नाउ अब अगर इतना हो गया ना अब ध्यान से देखना बात को इसको इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर दो और इसको भी इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर दो। अब आपने एक चीज देखी होगी कि वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू वॉल्यूम करंट डेंसिटी एंड वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस करंट डेंसिटी। अब इन दो टर्म को देखो इस टर्म को देखो और इस टर्म को देखो तो एक चीज मैं लिख के चलूं यहां पर कि वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू वॉल्यूम करंट डेंसिटी इसको कुछ इक्वेशन बोल दो तो शेष सम इक्वेशन नंबर 5 तो सिंस वी नो वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू के वेक्टर के का मतलब सरफेस करंट डेंसिटी क्या होता है मेरे पास तो दिस इज इक्वल टू ए इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटीग्रेशन क्या आता है यहां पर के वेक्टर डिवाइड में कितना आता है कर्ली आर और फिर आता है मेरे पास कितना डी ए ऐसा कुछ होता है ठीक है होता है नहीं होता आंसर आज ही होता है। और अगर मैं क्या निकालूं सिंस एंड वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू वॉल्यूम करंट डेंसिटी जे तो ए इक्वल टू कितना आता है ए इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटीग्रेशन दिस इज जे अपॉन कर्ली आर और यहां कितना आता है डी टाउ और दिस इज जे वेक्टर ऐसा कुछ आता है। अब ध्यान से देखो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू वॉल्यूम करंट डेंसिटी एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस करंट डेंसिटी एंड दिस इज सरफेस इंटीग्रल एंड दिस इज वॉल्यूम इंटीग्रेशन। अगर मैं इन दो फॉर्मूलों को इन दो टर्म के साथ क्या कराऊं कंपेयर कराऊं तो जो पहला टर्म है वो कैसा है उसका जो नेचर है या बोल सकते हैं उसकी जो दिखावट है वो कैसी है या फिर कैसा दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि ये चीज ये जो पहला टर्म है को देखकर ऐसा लग रहा है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू वॉल्यूम करंट को क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो चीज है जो सेकंड टर्म है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इसको देखकर ऐसा लग रहा है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस करंट को क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब अब देखो इन दो फॉर्मूलों को कंपेयर कराओ कंपेयर करने में हमको देख रहा है कि ये जो चीज है यहां पर ये जो चीज है एक्चुअली में किसके बराबर होनी चाहिए जे के बराबर होनी चाहिए यानी वॉल्यूम करंट डेंसिटी के बराबर होनी चाहिए फिर वॉल्यूम करंट के बराबर होनी चाहिए और ये जो चीज यहां पर है ये किसके बराबर होनी चाहिए सरफेस करंट के बराबर होनी चाहिए होनी चाहिए होनी चाहिए और यही जो यहां पर दो चीज आ रखी ना इसको हम क्या बोलते हैं वॉल्यूम बाउंड करंट और इसको हम क्या बोलते हैं सरफेस बाउंड करंट दोनों कंबाइंड क्या बोलते हैं बाउंड करंट ओके समझ में आई बात देखो इसे मिटाता हूं फिर समझ में आएगी देखो है थोड़ा यहां पर ट्रिकी जैसा हो जाता है लेकिन दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा
तो जो फर्स्ट टर्म है ऐसे लिख कर चलो, जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म वो क्या है मेरे पास, पोटेंशियल ए ड्यू टू, ए ड्यू टू वॉल्यूम करंट, वॉल्यूम करंट। और जो दूसरा है सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म वो है मेरे पास क्या, ए ड्यू टू, ए ड्यू टू सरफेस करंट, सरफेस करंट। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, कंपेयर करा दो, तो जे की जगह लिखता हूं तो जे इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास कितना है यहां पर, डेल क्रॉस एम हो जाएगा। और जो के इक्वल टू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा मेरे पास यहां पर, एम क्रॉस एन कैप आ जाएगा, कहां पर, एट सरफेस, बिकॉज वी आर एट सरफेस, बिकॉज ये क्या है सरफेस करंट डेंसिटी, तो ऑटोमेटिकली कहां पर हम सरफेस है। और एन कैप क्या है उनको पता ही है कि यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस है, ओके। और इसको मैं थोड़ा बहुत अलग करने के लिए, इस जे और इस के से अलग करने के लिए यहां क्या लगा दूंगा, बी लगा दूंगा, एंड बी रिप्रेजेंट बाउंड, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बाउंड करंट, वॉल्यूम बाउंड करंट। और इसे हम क्या बोलेंगे, सरफेस बाउंड करंट, सरफेस बाउंड करंट, ओके। देखो हुआ क्या, एक्चुअल में हो क्या रहा है यहां पर, ध्यान सुनने बात को, थोड़ा बहुत समझने में पहली बार देखने में अजीब सा लगता है, आप लोगों को कमेंट भी आएंगे कि मतलब समझ नहीं आया, मुझे पता है, लेकिन हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने की आपको। देखो हो क्या रहा है, हम क्या करना चाह रहे हैं, किसी एक पोलराइज्ड, सॉरी किसी एक मैग्नेटाइज चार्ज की वजह, ऑब्जेक्ट की वजह से ए निकालना चाह रहे थे हम, ठीक है, ए निकालने को जा रहे थे। लेकिन जब हमने ए निकालते एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जहां पर मेरे पास इस ए के फॉर्मूले में दो टर्म निकल के आए, पहला वाला टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज, दूसरा वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए ड्यू टू सरफेस चार्ज, ए हमको कैसे पता लगा, कंपेयर कराने के बाद, ओके। नाउ तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं क्या निकालूं, पहले ए निकाल दूं किसके कारण, वॉल्यूम चार्ज के कारण, फिर मैं ए निकाल दूं किसके कारण, उस सरफेस चार्ज के कारण, पहले मैं ए निकाल दूं किसके कारण, वॉल्यूम करंट के कारण, फिर मैं ए निकाल दूं किसके कारण, इस सरफेस करंट के कारण, फिर दोनों को ऐड कर दूं, क्या निकल के आ जाएगा, ए ड्यू टू ऑब्जेक्ट या ए ड्यू टू मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट निकल के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। तो मुझे जो इनिशियल नीड है वो किस चीज की है, इन दो चीजों की है, यानी अगर मुझे जे बी और के बी पता हो तो मैं इजीली ए निकाल सकता हूं, समझ में आई बात इतनी आपको। अब देखो अगर मैं इनकी हेल्प से ए निकाल सकता हूं तो इनकी हेल्प से मैं बी भी निकाल सकता हूं। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि जब भी मुझे कोई एक मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट दिया होगा तो हम ए निकाल बी निकालने के लिए कोई एक बहुत भारी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, उस मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेरे पास क्या होंगी, बाउंड करंट होंगी, वॉल्यूम बाउंड करंट और सरफेस बाउंड करंट होंगी, उनको निकाल देंगे। पहले हम बाउंड वॉल्यूम बाउंड करंट के कारण हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे, फिर हम क्या करेंगे, सरफेस बाउंड करंट के कारण हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे, फिर हम दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। वही जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा वो क्या होगा, उस मैग्नेटाइज ऑब्जेक्ट कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बराबर होगा, समझ में आई बात। तो यहां तक लाने का जो उद्देश्य था यही था कि किसी मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट के अंदर बाउंड करंट होती है और उन बाउंड के करंट के कारण जो ए निकलता है एक्चुअल में वो मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट के कारण जो ए होता है उसके बराबर होता है, या इसका तो ऐसे ही बोल सकते हो कि उस मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एक्चुअल में उस मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट के अंदर जो बाउंड करंट होती है उनके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके बराबर होता है, ठीक है। आई होप अब आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। तो इस पूरे लेक्चर में आपको क्या याद रखना है, ये दो चीजें याद रखनी है, ये कहानी किसके लिए थी, आपको फील दिलाने के लिए, और कभी कभी आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये चीज प्रूफ करने को भी आ सकती है, या बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड करंट को एक्सप्लेन करने के लिए आ सकती है। तो उसको आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, ऐसे करोगे, यानी यहां तक आपको आना ही पड़ेगा, समझ में आई बात। नाउ अब देखो अगर मुझे ये चीज दो चीजें पता है तो मैं अब इसको फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकता हूं, नहीं कर सकता, आंसर आज ही कर सकता हूं। तो जो मेरे पास आप ए निकल के आ जाएगा तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन ओवर ए वॉल्यूम वी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जे बी, दिस इज करली आर, और यहाँ क्या आ जाएगा, डी टाउ प्राइम, और फिर प्लस आ जाएगा, अरे हमने प्राइम हटा दिया। और एक चीज और यार गड़बड़ होगी, सॉरी यार एक छोटी सी गड़बड़ होगी, जहाँ जहाँ आपने डेल लिखा है ना वहाँ डेल प्राइम लगा देना, जहाँ जहाँ आपने डेल लिखा है ना डेल प्राइम लगा देना, उससे कोई दिक्कत नहीं आ रही है शायद, आएगी, ठीक है। जो फॉर्मूला हमने सीधे कर दिया था ना, कौन सा वाला, ये वाला,
वो तुमको याद था तो हमने सीधे कर दिया कि ग्रेडियंट ऑफ 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 सॉरी कर्ली आर आर कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये तभी पॉसिबल है जब यहां पर क्या होगा, डेल प्राइम होगा। ठीक है, तो यहां क्या लगाओ, फटाफट डेल प्राइम लगाओ, हर जगह जहां जहां डेल डेल लिखा है ना सब जगह डेल प्राइम लगा दो। ये छोटी सी गलती होगी मुझसे, अच्छा हुआ याद आ गया, नहीं तो पूरा लेक्चर क्या हो जाता अभी का खत्म हो जाता। लेकिन आई थिंक जो कैलकुलेशन है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, यहां पर दिक्कत हो जाती है, लेकिन ये तो हमने क्या कर रखा था, याद कर रखा था। ठीक है, अगर आप वहां जाके देखोगे ना तो यहां पर डेल प्राइम है तभी ये चीज आ रखी है, तभी ये रिलेशन क्या है पॉसिबल है। अगर डेल खाली डेल होता ना तभी रिलेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज, तो डेल डेल प्राइम लगाओ सब जो क्या लगा दो, प्राइम लगा दो। और जो ये एम है ना, ये भी किसका कोऑर्डिनेट है, ये भी किसके रिलेटेड है, ये भी ऐसा है, ये भी आर प्राइम का क्या है, फंक्शन है, न कि आर का। ओके, समझ में आई बात, वो लिखा नहीं है मैंने, अंडरस्टूड है। तो ये क्या है, डेल प्राइम है, सब जगह क्या लगा दो, इस तरीके से डेल प्राइम लगा दो। तो ये ऐसा आया, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ जाएगा इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस, और यहाँ कितना आ जाएगा, ये के बी अपॉन कितना आ गया आर, और ये कितना आ गया मेरे पर डी ए प्राइम आ गया। ठीक है, तो दिस इज माय वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट एम क्या रहेगा, हम डिफरेंट हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे, उनको हम मैग्नेटाइज करेंगे, उनके लिए हमको मैग्नेटाइजेशन गिवन होगा, फिर हम क्या करेंगे, इन दो फॉर्मुलों की हेल्प से हम बाउंड सॉरी वॉल्यूम बाउंड करंट और सरफेस बाउंड करंट फाइंड करेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, उस मैग्नेटाइज ऑब्जेक्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। ये हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट टास्क रहेगा। ओके, आई होप आज का जो लेक्चर था ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और एक चीज़ और कि इसको लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो नीचे, अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो रही है, अगर आपको कोई भी स्टेप इस पूरे लेक्चर में समझ में नहीं आया है, आप मुझे किसी भी टाइम पे कर दो, व्हाट्सएप कर दो मेरे को, जब भी टाइम मिलेगा अगर आपका क्वेश्चन रिलेवेंट होगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन क्या होते हैं, अजीब से होते हैं। ठीक है, कि सर मेरा पेपर है मैं कैसे पढ़ूँ, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर वो मैं कहूँगा ऐसे पढ़ो, फिर वो पूछेगा कि मतलब थोड़ा हेल्प कर दो, मैं कहूँगा किस टाइप की हेल्प चाहिए, फिर वो कहेगा कि मेरे को सिलेबस भेज दो, ये मैंने पिछले लेक्चर में बोला था ना ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके फिर उसे पूछे पेपर कब है, वो कहेगा 2 दिन बाद, अभी तो सिलेबस देखा तुमने, तो दिक्कत तो है। हाँ, अगर आपका क्वेश्चन अच्छा है, रिलेवेंट है और मुझे लग रहा है कि मुझे इसका आंसर देना चाहिए, तुम आपका आंसर चाहे मुझे उस टाइम नहीं आता हो, मैं ये नहीं करेंगे मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं, कभी नहीं कहता मैं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मुझे नहीं आते हैं, लेकिन मैं आपके लिए उस क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं से अपने सर लोगों से पूछ के, इंटरनेट में हर जगह कुछ साइडों में जा करके आपके लिए उस क्वेश्चन का मैं आंसर लाऊंगा। ठीक, तो आपका जो सपोर्ट है वो किस टर्म में मिलेगा मेरे को, वो इसको लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।